हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाय दोस्तों, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कि आप जो मई जियो का ऐप है, आप उस पर किस तरीके से रिचार्ज करोगे और किस तरीके से बैंक अकाउंट को लिंक करोगे, साथ ही साथ उसमें बहुत सारी सर्विस जो प्रोवाइड है उनको आप किस तरीके से लाभ ले पाओगे। जैसे कि आप आइडिया का रिचार्ज कर सकते हो, वोडाफोन का, एयरटेल का, साथ ही साथ आप जियो का तो कर सकते हो, अदर और भी उसमें है जैसे कि आप D2H, वीडियोकॉन, डिश टीवी, इनके भी रिचार्ज कर सकते हो। साथ ही साथ आप वाटर का और बिजली बिल और बहुत सारे इत्यादि इसमें आप रिचार्ज जो ऑफर है उनको आप लाभ ले सकते हो। आज हम बात करेंगे उसी से जुड़ी और आप लास्ट तक बने रहें वीडियो को, वीडियो पूरी देखें और वीडियो को सपोर्ट करें। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम फ़ोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में हम सर्च करते हैं मई जियो को डाउनलोड कर लें। अगर वो अपडेट नहीं किया हुआ तो अपडेट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपके पास है तो उसको अपडेट कर लें। ठीक है, तो जो इसमें जो नया फीचर्स दिया गया है कि बैंक को किस तरीके से जोड़ना, हम उसके लिए चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में थोड़ा वेट करें। यहाँ पे नीचे का दिख रहा होगा प्रोसीड, यहाँ पे ओके कर दें। प्रोसीड पे ओके करने के बाद में ये तीन कंडीशन है, इनको अलाउ कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे फीचर दिख रहे हैं मोबाइल्स, जियो फाइबर, जियो फाई और जियो लिंक। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, हमें जियो मोबाइल पे ही ओके करना। हम यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि हमें फाइबर जो है हमारा चला नहीं रही, यूज नहीं कर रहे, सिर्फ हम मोबाइल नंबर ही डालना है। तो मोबाइल नंबर अपना डाल दें सबसे पहले। मोबाइल नंबर डालने के बाद जेनरेट OTP पे कर दें, ऑटोमेटिक OTP आएगी, वेरीफिकेशन हो जाएगा। ये देखिए मेरे नाम से, तो ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए ये डैशबोर्ड आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आज हम चर्चा कर रहे थे कि आप किस तरीके से बैंक को लिंक कर सकते हैं मई जियो ऐप में और किस तरीके से आप इसमें रिचार्ज कर सकते हो। वैसे बात करें हम जियो ऐप की, तो जियो में बहुत सारे फ्यूचर्स हैं। अगर हम इसकी चर्चा करें तो 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, तो क्योंकि हमें सिर्फ इसी की चर्चा करनी है कि बैंक को किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन किया जाता है, और कोई सा भी अगर मोबाइल है तो हम उसका किस तरीके से रिचार्ज कर सकते हैं, वो चाहे आइडिया का हो, चाहे वोडाफोन का हो, या किसी और अदर सर्विस का हो, तो भी हम उसका नेटवर्क का भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में जो दिख रहा है डैशबोर्ड, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद में आपको नीचे दिख रहा होगा एक न्यू फीचर्स दिख रहा है। देखिए इसमें तीन फीचर न्यू है, जियो सावन वाला और प्लस टुगेदर। और UPI पे ओके करते हैं सबसे पहले। UPI पे ओके करने के बाद में यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक बैंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उसको जुड़ा रहने देते हैं, हम एक और जोड़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे हम जोड़ सकते हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं कि आप वो जुड़ा हुआ तो हम इसको नहीं जोड़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हम थोड़ा पीछे करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और ऐड बैंक पे ओके करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है एक इसमें, तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं इसको। ओके किया हमने। ओके करने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि हमारा कौन सा बैंक है। तो बैंक है हमारा पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इस पर ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक आ चुका है, तो हम इसको प्रोसीड पे ओके करते हैं। इसका जो IFSC कोड आपको पता लग गया, ये नोएडा सेक्टर से हैं, तो ये इसकी जो शाखा है, जो सेंटर है वो वहाँ पे है। ठीक है, जो इसकी ब्रांच है नोएडा सेक्टर दिल्ली, तो ये इसका पेटीएम 0123456 तक इसका ये जो IFSC कोड होता है, सभी बैंकों का सेम होता है, किसी का भी नंबर का। और इसमें ये होता है सबसे बड़ी बात, पेमेंट बैंकिंग के जो नंबर होता है वही अकाउंट नंबर होता है। तो हम प्रोसीड पे ओके करते हैं। प्रोसीड पे ओके करने के बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि UPI पिन ऑलरेडी एक्सिट, दिस इज बैंक, यस या नो, तो नो पे ओके करते हैं।
तो यहाँ पे डन करते हैं। डन हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए नीचे की तरफ हमें दो बैंक देख गए होंगे, ठीक है। थोड़ा हम पीछे की तरफ चलते हैं, थोड़ा इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए हमें दो बैंक जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे दो बैंक जुड़ चुके हैं, ये अकाउंट नंबर है और ये अकाउंट नंबर, वो प्राइमरी हो गया है और ये सेकेंड। तो यहाँ से आप इसका बैंक भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे हम इसका करना चाहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका, इसका UPI नंबर डालेंगे, पिन तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ट्राइगन बता रहा कि सर्वे जो एरर चल रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे, दोबारा से चेक कर सकते हो दूसरे बैंक का, तो इसका भी आप चेक कर सकते हो इसी तरीके से। वही सेम प्रॉब्लम है बैंकों में, सभी में प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप यहाँ से चेंज UPI पिन करना चाहते हो तो पिन कर सकते हो, रिसीट पिन, अगर रिसीट पिन करना चाहते हो आप यहाँ से रिसीट भी कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से करना चाहते हैं, रिसीट करना चाहते हैं, दोबारा से इसमें लगाना चाहते हैं, तो हम दोबारा से लगा देते हैं इसमें। यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाल दें, वैलिड डेट, प्रोसीड पे ओके करें। ओके करने के बाद में एक OTP आती है, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो जाता है। नीचे UPI पिन डाल सकते हैं आप, सेट यू UPI पिन, तो आप कोई अदर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये हमने नया डाल दिया, तो नया डाल दिया तो ये वेरीफाई हो गया। तो हम चेक बैलेंस पे ओके करते हैं, तो ये देखिए सक्सेसफुल हो चुका है, चेक बैलेंस कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा आपको इसका। देखिए यहाँ पे जीरो बैलेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसका भी, अगर मान लीजिए इसका हमें पता नहीं है कि क्या नंबर है इसका, अगर चल रहा है तो ठीक है UPI पिन, आप इसका भी चेंज कर सकते हो रिसीट पिन, यहाँ से डाल के इसका नंबर और आपको रिसीट कर सकते हैं सभी का। और अदरवाइज आप भविष्य में इसको चेंज करना चाहते हो, देखिए ये नीचे इसमें दिखा हुआ रिमूव बैंक, तो यहाँ से रिमूव पे ऑप्शन पे जाएंगे, तो ये देखिए रिमूव हो गया, ठीक है, ये डीएक्टिवेट हो गया। इस तरीके से आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कल फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। साथ साथ हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, याहू और फेसबुक में फॉलो करें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ साथ लाइक और कमेंट करें, जरूरी कमेंट करना है। और साथ साथ हमें बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगी, और हमारा यही मकसद होता है कि आपको वीडियो जो अच्छी से अच्छी पहुंचा सकें और उससे आप कुछ ना कुछ लाभ हो, हमें मोटिवेट मिलता है, आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज बहुत ही अच्छी वीडियो लगेगी, और हम आज पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो आज के लिए बस इतना, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।